हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ झटपट बनने वाली सांभर की रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली है अरहर की दाल, जिसे मैंने भिगो कर रख दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले। और जो भी वेजिटेबल्स मेरे पास इजीली घर में अवेलेबल थी, मैंने उनको चॉप कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्रेंड्स ले रही हूँ इमली, जिसे मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, और इसे पानी के समेत हम मिक्सर जार में डाल देंगे। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे दो तीन हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ। अब इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर, और 1 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे बेसिक मसालों की। नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ मैंने इसी में डाल दिया है। और 1/2 टेबल स्पून फ्रेंड्स मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 टेबल स्पून फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ले रही हूँ सांभर मसाला। बिना सांभर मसाले के सांभर अच्छा नहीं बनता है, वो आप सभी लोगों को पता है। तो मैंने सारे के सारे बेसिक मसाले, सांभर सभी इसी में ऐड कर दिया है, और अब इन सभी चीज़ों का हम बनाएंगे एक फाइन पेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट बन चुका है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सांभर को बनाना। कुकर ले लीजिए फ्रेंड, और उसके अंदर सबसे पहले डाल दीजिए पानी। यहाँ पर मैं तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी ले रही हूँ। और अब इसके अंदर डाल देंगे अरहर की दाल को, और अब डाल देंगे सारी की सारी सब्जियाँ, और अब डाल देंगे फ्रेंड्स ये पेस्ट जो हमने बना कर रखा था। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए फ्रेंड्स। इस तरीके से सांभर इतना जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना टेस्टी सांभर आपने मिनटों में बना लिया। अब इसे ढक्कन लगवा दीजिए और एक विसल लगवा दीजिए, क्योंकि हमने अरहर की दाल को सोख करके रखा था, तो ये बहुत जल्दी पक। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमारा सांभर बॉयल हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लेंगे फ्रेश कड़ी पत्ता, और 5 से 6 यहाँ पर मैं ले रही हूँ सूखी लाल मिर्चें। अब लगा लेते हैं फ्रेंड्स इसको तड़का। यहाँ पर मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून राई के दाने। और अब फ्रेंड्स इसके अंदर मैं डालूंगी मिर्चें और कड़ी पत्ता। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ देगी मिर्च, और 1 टेबल स्पून ही फ्रेंड्स मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सांभर मसाला। और इसे अच्छे से कर दीजिए मिक्स, और अब इसे डाल देंगे हम सांभर के अंदर, और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना जल्दी, बिल्कुल इंस्टेंट हमारा इतना यमी सांभर बनकर हो गया है तैयार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।